Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. आज का ये वीडियो है, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है अबाउट वे प्रोटीन। वे प्रोटीन क्या है, आप उसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, तो आइए जानते हैं वे प्रोटीन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, वे प्रोटीन के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स है जो हमारे बॉडी में मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करता है, क्योंकि हमारे मसल्स को बनाने में हेल्प करता है, वो होता है प्रोटीन। अब आते हैं वे प्रोटीन में। तो आप सभी के घर तो मिल्क तो आता ही होगा, दूध, तो आप सभी ने कभी ना कभी तो दूध फटते हुए देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, कुछ सॉलिड पार्ट होते हैं और कुछ लिक्विड पार्ट अलग हो जाते हैं जब दूध फटता है। तो वो जो लिक्विड सब पार्ट होता है उसमें होता है वे प्रोटीन। तो उसी को हम फैक्ट्रीज में ले जाके बाई द प्रोसेस उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे वे बनाते हैं, वो होता है हमारा वे प्रोटीन। वे प्रोटीन बेसिकली क्या होता है, हमें मिल्क से मिलता है, उसको हम प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो वो प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने का, उसके थ्रू हमें वे प्रोटीन मिलता है। ये जो होता है वो एक फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, और वो जो सॉलिड सा फॉर्म होता है वो होता है केसी, वो स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन होता, वो भी प्रोटीन है लेकिन वो स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन। तो अब जान लेते हैं कि वे प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली वे प्रोटीन तीन टाइप के होते हैं, पहला होता है कॉन्सेंट्रेट, दूसरा आइसोलेट और तीसरा हाइड्रोलाइज। ये सब वे प्रोटीन डिवाइड हुए हैं अपने प्रोटीन अवेलेबिलिटी के बेसिस पे। कॉन्सेंट्रेट में थोड़ा कम प्रोटीन अवेलेबल होता है, आइसोलेट में उससे ज़्यादा और हाइड्रोलाइज में सबसे ज़्यादा। तो हाइड्रोलाइज में क्या होता है, स्मॉल पेप्टाइड के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है, जो कि मतलब इजीली डाइजेस्टिव होती है और मतलब बहुत फास्ट डाइजेस्टिव होती है, वो तो तुरंत ब्लड में जाकर तुरंत डिसॉल्व हो जाती है, तो होती है हाइड्रोलाइज प्रोटीन। तो अब बात आती है अमाउंट ऑफ वे प्रोटीन, आप कितना वे प्रोटीन इनटेक कर सकते हो। तो नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जो कि जिम नहीं जाते, जो कि एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, वो 0.8 ग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट वो प्रोटीन इनटेक कर सकते हैं। वे प्रोटीन नहीं, प्रोटीन इनटेक, टोटल प्रोटीन इनटेक उनकी 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट हो सकती है, और जिसका एक्टिव लाइफस्टाइल होता है वो 1.4 ग्राम टू 2 ग्राम पर बॉडी वेट तक ले सकता है। लेकिन इसमें भी आती है कि आपको रियली वे प्रोटीन की ज़रूरत है या नहीं है, क्या प्रोटीन का जो इनटेक है वो अपने खाने से पूरे कर लेते हैं कि नहीं। न्यूली अगर आपने जिम कभी भी ज्वाइन किया हो, तो आप इससे जाने से पहले आपके जो जिम पार्टनर्स होते हैं या फिर जो जिम और आते हैं ट्रेनर, आप सबसे पहले सजेस्ट करते हैं कि आप वे प्रोटीन अपने डाइट में ऐड करो, वो इसलिए ताकि वो आपको मतलब प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने डाइट में वे प्रोटीन ऐड करके ही प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हो। अगर आप अपने डेली डाइट से प्रोटीन इंटेक अच्छा खासा कर ले रहे हो, तो वे प्रोटीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत लोग सोचते हैं कि स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड्स नहीं है, ये वे पाउडर है, प्रोटीन पाउडर है जो कि मिल्क से मिलता है, मिल्क से प्रोसेस करके निकाला जाता है, ये स्टेरॉइड नहीं है। और प्रोटीन, वे प्रोटीन लेने से पहले आप एक बार अपने कोच, अपने ट्रेनर ने गाइडलाइन से जरूर लें, और एक बार डॉक्टर से भी जरूर दिखाएं, अपने बॉडी का BMI कराएं कि आपके बॉडी में कहीं प्रोटीन इंटेक ज़्यादा तो नहीं है, जिससे अगर प्रोटीन इंटेक आपके बॉडी में ज़्यादा हुआ तो आपकी किडनी पर भी इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए करने से पहले आप चेकअप भी ज़रूर कराएं कि रियली आपको वे प्रोटीन की ज़रूरत है भी या नहीं, कि आप सिर्फ किसी के बोलने पे ले रहे हो। इससे क्या है, आपके सप्लीमेंट के खर्चे भी बचेंगे और आप एक स्मार्ट वर्क करोगे। हार्ड वर्क तो जिम में सब कोई करता है, लेकिन डाइट को लेके, सप्लीमेंट्स को लेके आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो गाइस, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो वे प्रोटीन के बारे में, क्योंकि वे प्रोटीन एक बेसिक सी चीज़ है। जब भी आप जिम ज्वाइन करते हो तो सबसे बेसिक सी जो चीज़ आपको सुनने में आती है वो होता है प्रोटीन, प्रोटीन। आपको मसल गेन करना है, प्रोटीन। फैट लॉस करना है, प्रोटीन। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दूँ छोटा सा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको वे प्रोटीन की ज़रूरत है या नहीं है। तो वेल गाइस, मैं अपने तरफ से मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारी बातें बता सकूँ। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर लिख के बताएं कि ये पॉइंट कवर नहीं हुआ, ये कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी अभी नए नए वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो मुझे भी होता है कि कुछ पॉइंट छूट जाए। तो आप मुझे गाइड कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझे गाइड कर रहे हो और मैं उनको अपनी वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की जरूर कोशिश करूँगा। तो ठीक है गाइस, तो ये थी मेरी वीडियो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरा नया चैनल है, तो मुझे इस चैनल को ग्रो करने के लिए आप सबकी हेल्प चाहिए।
तो ओके गाइज, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार सब्सक्राइब करके मुझे एक मौका दे सकते हो ताकि मैं आपको एक अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आप तक पहुँचा सकूँ। तो ओके, गुड बाय टिल नेक्स्ट वीडियो। तो अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, स्टे फिट।